हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग आए हैं उड़ीसा का स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, जो कि भुवनेश्वर में है। और ये ट्राइबल म्यूजियम आने के लिए आपको बस में आना पड़ेगा। तो ये इस्कन टेम्पल जो जहाँ पे है, उसका थोड़ा आगे वाला स्टॉपेज में आपको उतरना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए हैं। लगभग कितना टाइम होगा? हाँ, 11:30 के आसपास पहुंच गए हैं। और यह है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पार है 10 रुपीज़, और बच्चे लोग का नहीं ले रहा है। 15 साल से ऊपर बच्चे लोग का यहाँ पे टिकट लेता है। तो चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग आज मम्मी पापा, मैं और मेरे दोनों बेटे आए हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा है ना, वो आपका टिकट चेक करता है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड टिकट चेक कर रहा है, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। और देखिए, दोनों साइड में अंदर घुसते ही दोनों साइड में फ्लावर ही फ्लावर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये म्यूजियम ना हर दिन खुला रहता है। संडे को हम लोग गए थे, तो वहाँ पर टाइमिंग लिखा गया है कितना बजे से कितना बजे तक खुला रहता है। आप लोग भी कभी अपने बच्चे लोग को लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ ना जो ट्राइबल लोग का होता है वो लुप्त हो गया है। बहुत सारे जैसे कि पुआल का घर सब में पहले रहते थे ट्राइब लोग। मैं भी एक ट्राइब हूँ, हम लोग का भी पुआल का घर था। लेकिन आजकल ज़माना चेंज हो गया है, मॉडर्न जनरेशन, तो हम लोग पक्का घर में रहने लगे। तो वो सब बच्चे लोग को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ना मतलब कभी कभार काम में आता है कि कैसे मेरे पूर्वज थे, कैसे उन लोग का कल्चर था, कैसे उसका ज्वेलरी था। ये सब देखना ज़रूरी है। इसीलिए ये सबको हम लोग के लिए ही, मतलब सभी के लिए, सब लोग के लिए ही यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है, कि ताकि लोगों को याद रहे कि ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे हम लोग का घर था, ऐसे हम लोग का गहना था, ये सब। और यहाँ पे दीवार में देखिए कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है। उसको पटचित्र ना क्या बोलते हैं, आप ध्यान से इसको देखेंगे ना, बहुत सारा चीज़ इसमें नज़र आएगा। शादी से लेके बहुत सारा, मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ पे आपको थकान लगेगा तो बैठ सकते हैं। और हर जगह ना कैमरा ही कैमरा लगा हुआ है। और मुझे पता ही नहीं था फ्रेंड्स कि अंदर में ना वीडियो बनाना मना है, फिर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, बस आप सभी को दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता था, यहाँ पे उतना मैं ध्यान से नहीं पड़ी थी कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना था। मैं सोची चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं आप सभी को दिखाने के लिए। तो मुझे नहीं पता था, बाद में वो मैडम मुझे मना की कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है। तो फिर थोड़ा सा शूट करके मैं बंद कर दी। तो ये देखिए, ये ट्राइब लोग का गहना है, सारे चांदी का बना हुआ है। और मेरे दादी के पास ना इसी तरह सेम टू सेम था चांदी का। मैं भी देखी हूँ, मैं जब छोटी थी ना तब मैं देखी हूँ। और पैर में पहनते थे मेरे दादी माँ, गले में वो जो जो देखिए कॉइन जैसे हार है ना चांदी का, ये वाला मेरे दादी के पास था, अभी नहीं है। तो ये सब अलग अलग ट्राइब का ज्वेलरी सब है। ये देखिए, ये सब दूसरे ट्राइब का ये भी ज्वेलरी वगैरह है। और बहुत सारा वहाँ पे सामान था। जब मुझे मना किया गया कि वीडियो शूट ना करे, तो इसीलिए मैं बंद कर दी। बहुत सारा जैसे मिट्टी का चीज़ था, और हम लोग पहले जैसे धान कूटते हैं ना फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, ढेंकी ना क्या बोलते हैं मशीन, वो सब बहुत सारा सामान था। और ये है जाहिरा, जहाँ पे ट्राइब लोग पूजा करते हैं, अपना अपना मंदिर है। और ये देखिए, ये है घर, कितना सुंदर सजाया गया। ये घर ना अभी रायरमपुर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इस तरह का घर। उन लोग अपना दीवार में इस तरह सा चित्र बनाते हैं, कलर करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम लोग का घर का याद आ जाता है ये सब घर देखने से। मेरा भी पुआल का घर था हमारा। और उसके बाद ये बाहर का कुछ नज़ारा है, यहाँ पे स्टेचू वगैरह को रखा गया है। हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आए हैं भुवनेश्वर के ट्राइबल म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ट्राइबल लोगों का जो गहना है, अपना कस्ट्यूम है, सब रखा गया है, उसको देखने आए हैं। तो वहाँ पर अंदर में तो वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, बस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा अच्छा
प्लीज़ आप लोग आइए ज़रूर। और अभी हम लोग जा रहे हैं देखते प्लानिटेरियम। तो देखिए हम लोग प्लानिटेरियम पहुंच गए हैं और देख सकते हैं टिकट के लिए कैसे लंबा लाइन है। और ये अपना शिफ्ट शिफ्ट में मतलब 45 मिनट्स का शो होता है, ये भी बच्चे लोग के लिए स्पेशल है। और मैं ना ग्रेजुएशन करने का टाइम में आई थी तभी देखी थी, लेकिन अभी मैं बेटी लोग को लेके आई हूँ उन लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी ग्रह नक्षत्र है उसका सब ये में दिखाते हैं मतलब प्रोजेक्टर में, बड़ा सा जो घर दिख रहा है उसमें। तो लगभग हमारा टिकट हो गया है बहुत कोशिश करने के बाद। और यहाँ पे ना आपको आने के बाद सबको नहीं खड़ा होना है लाइन में, एक जन कोई आपका फैमिली में खड़ा हो जाएगा और बाकी सब का टिकट ले लेगा एक साथ में। फिर आपको जब टिकट मिल जाएगा फिर एक साथ में एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एंट्री करने के लिए सब लाइन में खड़े हैं और अंदर में वीडियो शूट करना मना है। और हम लोग का अभी हो गया है, हम लोग अंदर देख के आ गए हैं, अभी बस वापस जा रहे हैं। और आपको टाइमिंग दिखा दूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसी टाइम में आ सकते हैं और देख सकते हैं। बच्चे लोग के लिए सबसे ये ज़्यादा अच्छा जगह है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए आपको टाइमिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे शो क्या क्या शो होता है हिंदी में, इंग्लिश में और उड़िया में सब लिखा गया है, आप लोग आके भी अब देख सकते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।